बेटे माज कर दी, माज कर दी वाह बेटे वाह, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। गाइस इस वीडियो को इस तरीके से शुरू करने का प्लान नहीं था, पता है हम दो बस लेकर के आए थे और हाल कुछ गाइस ऐसा हुआ है, ये जो बस है इसका जो अगला हिस्सा है वो घुस गया इस गड्ढे के अंदर। हम लोग सिनेमैटिक शूट कर रहे थे, ड्रोन से शॉट्स ले रहे थे, लेकिन भाई मैं इस बस को चला रहा था और जो बस है वो सीधा आकर के गड्ढे में गिर गई आगे से। अच्छी बात ये है कि किसी को कुछ चोट वगैरह नहीं लगी, लेकिन भाई ये शुरुआत जो है हमने प्लान नहीं करी थी। तो यहाँ पर है गाइस एक बस और यहाँ पर है दूसरी बस और फिलहाल यहाँ पर बीच में जंजीर बंधी हुई है। हमने इस बस से इसको खींचने की कोशिश करी है, नहीं निकली। फिलहाल क्रेन आ रही है और वो इसको बाहर निकालेगी, लेकिन गाइज ये वीडियो नहीं है। गाइज वीडियो थी ये ये जो है गाइज हमारे पास में है टेप और हमारा प्लान कुछ ऐसा था, प्लान अभी भी गाइज कुछ ऐसा ही है कि दो बसेस को गाइज अगर चिपका दिया जाए टेप की मदद से, नॉर्मल जिसकी मदद से हम लोग पेपर वगैरह या कोई भी चीज़ चिपकाते हैं, भाई आज हम बसेस को चिपकाने वाले हैं, दो बस को चिपकाने वाले हैं और फिर एक बस को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या जो दोनों बसेस हैं वो चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। फिलहाल गाइस जो परिस्थिति है वो कुछ ऐसी है कि अभी ये चलने के लायक नहीं है, अभी तो एक गड्ढे में गिरी है, पहले इसको क्रेन से निकालेंगे, अब क्रेन बुलवाइए भाई इमरजेंसी में, उसके बाद में दोनों बसेस को बहुत सारी टेप्स की मदद से चिपका देंगे और फिर देखते हैं गाइस क्या होता है। आपको क्या लगता है जो बस है वो टेप से चिपकने के बाद चल पाएंगी या नहीं, गाइस जल्दी से जो है कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। जान लो, बहुत बढ़िया, जान दो थोड़ा और, थैंक यू सो मच। तो गाइस यहां पर जो बस है वो निकल चुकी है और अब जो है अपने काम पर जुटते हैं, क्रेन को टाटा बाय बाय करते हैं। भाई साहब पता नहीं है कैसी चलेगी बस जो है वो टेढ़ी, हो गई बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे, चलो एक बार चला के देखते हैं। पीछे डालना गियर पीछे, गाइज यहाँ पर इस बस की जो शाफ्ट है नीचे वाली जो कि पीछे के टायर्स को पावर देती है ये यहाँ से निकल चुकी है और आप लोग देख सकते हो कि अब जो बस है वो नहीं चल सकती है। भाई क्या हो रहा है आज, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था भाई साहब, प्लान भी ऐसा था ये जो बड़ी बस है इसके साथ में उस छोटी वाली बस को कनेक्ट कर देंगे, लेकिन हुआ यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये जो बस है ये ख़राब हो चुकी है गड्ढे में गिरने की वजह से। और अब आएगा और ज़्यादा मज़ा, क्योंकि अब बड़ी बस के साथ में छोटी वाली बस को कनेक्ट करेंगे और पावर जो है वो छोटी वाली देगी। भाई ये बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन अगर ये चीज़ काम करी और वो बस इसको टेप करके चलाई, बस इसको टेप करेंगे गाइस वही छोटी वाली से बड़ी वाली को, चलो उसको ले आओ। आगे वो हिस्सा भी तो है, शीशे फोड़ देगा वो। ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर दोनों बस को हम साथ में लगा रहे हैं फिलहाल, लेफ्ट 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 लेफ्ट। हाँ। और भाई यहाँ पर पता है ये भी दिक्कत है कि दोनों बसेस डैमेज हो सकती हैं, वो वाली तो वैसे ही जो है खराब हो चुकी है, देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब दोनों बसेस पोजिशन में लग चुकी है और मैं इधर से इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इस बस का जो गेट है वो पता नहीं क्यों अटक गया है और ये खुल नहीं रहा है, तो इसीलिए गाइस यहाँ पर से कूद करके आना पड़ रहा है और ऐसे ही घुसना पड़ेगा। तो फटाफट से टेप निकाल लो, दोनों बसेस पे लगाते हैं गाइस, इसकी टेंशन मत लेना गाइस, ये अभी हुआ है। मतलब क्या बताएं यार, एक चीज कुछ करने आए थे हो कुछ और ही गया, लेकिन हम चीज को करके रहेंगे। छोटी बस है इसका इंजन चालू रहेगा, ये वाली बस बंद ही रहेगी, प्लान ये था कि बड़ी वाली का इंजन चालू रहे छोटी का बंद रहे, अब उल्टा हो गया है।
गाइस देख लो यहाँ पर सिर्फ टेप्स ही हमारे पास में और कुछ भी नहीं है, तो फटाफट से जो टेप है उसको खोलते हैं और जो बस है उनको करना शुरू करते हैं टेप आपस में। और गाइस किस किस के साथ होता है कि जब हम टेप लाते हैं या टेप खोलते हैं तो उसका किनारा नहीं मिलता यार, ये चीज़ हर बार ही होती रहती है। तो गाइस करते हैं फिर से जय श्री गणेश यहाँ पर टेप लगाने का और कुछ इस तरीके से जो है दोनों बस को चिपकाएंगे। गाइस ये इतना तेज आवाज करती है कानों में दर्द कर रही है टेप, चलो बराबर लगा दो। तो गाइस हमने यहां पर पूरी बस के ऊपर जो है टेप लगा दी है और अब इसको काट देते हैं। बहुत सारी टेप जो है हमने वो खाली कर दी है यहाँ पर और आप लोग देख सकते हो दोनों जो बसेस है वो फिलहाल सिर्फ टेप की मदद से यहाँ पर जुड़ गई हैं। गाइस यहाँ पर हमने थोड़ी सी जो है डक टेप भी लगाई है, वो भी टेप ही लेकिन डक टेप जो आती है उसकी मजबूती सेलो टेप से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पर है हमारे पास में बहुत थोड़ी सी थी क्योंकि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था, तो हम तो बहुत सारी सेलो टेप लेकर आए थे पूरी बस। जो आप एक बार इधर आओ देखो गाइस जो दोनों बसेस हैं वो फिलहाल टेप से चिपकी हुई है, चारों तरफ टेप है और कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि यहाँ पर टेप के अलावा और कुछ भी यूज नहीं हुआ है किसी भी तरीके की चीज। तो भाई अब वारी है टेस्ट करने की कि दो बस को जब टेप किया जाता है तो क्या होता है। चलो गाइस बस के अंदर चलते हैं, बस का दरवाजा नहीं खुल रहा है तो मुझे जो है इधर से ही गाइस चढ़ना पड़ेगा जैसे कैसे करके और ये ना उखड़ जाए कुछ। तो गाइस यहाँ पर बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से घुस करके मैं बस में आ गया हूँ, बस को करते हैं स्टार्ट। और भाई साहब बस तो हो गई है यहाँ पर स्टार्ट। गाइस डालते हैं पहला गियर और देखते हैं क्या होता है। सारा का सारा जो जोर है वो टेप के ऊपर है फिलहाल, तो बस को चलाते हैं। ये वाली चल रही है, वो वाली नहीं चल रही है, ये उसके बराबर आ गई है गाइस। और लेकिन जो दूसरी बस है वो यहाँ पर खींच नहीं रही है गाइस। ओए अरे चल गई एक बस के साथ दूसरी बस चल रही है। ओ भाई एक बस के साथ दूसरी बस टेप होके चल रही है, उसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है। वाओ गाइस उसके अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं है, देखो बस चल रही है भाई और इसे सट सट के चल रही है। क्या बात है क्या बात है। ओहो लेकिन ना मैं इसको ज्यादा तेज नहीं चलाना चाह रहा भाई, और छोटी वाली बस जो है वो बड़ी वाली अरे घूमेगी या नहीं घूमेगी नहीं, ड्राइवर नहीं है कोई इसमें, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, दिक्कत यही है। अरे घूम रही है उसका स्टीयरिंग अपने आप चल रहा है। गड्ढा है गड्ढा नहीं 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 दिख रहा है गड्ढा, अब नहीं जाएगी गड्ढे में भाई। उसका स्टीयरिंग वगैरह सब अपने आप घूम रहा है, सीधा हो रहा है, बस चल रही है मजे से। क्या बात है गाइस दो बस को टेप से चिपका दिया हमने और चला भी दिया। वाओ अपने आप घूमता है और बस जो है वो फिलहाल गड्ढे वड्ढे में अपने आप चल रही है। गाइस हम एक बस को चला रहे हैं लेकिन चल दोनों रही है।
वो अपने आप ही आगे बग रही है गाइस। अरे बंद हो जा यार गाइस। अबे क्या एडवेंचर था भाई ये। बॉयस ऑफ दोनों जो बसे हैं वो टेप से चिपक करके आपस में चली है, दोनों ऐसे ऐसे टच हो रही हैं, रगड़ रही हैं आपस में। लेकिन यार दाद देनी पड़ेगी इस टेप की, जो टेप है इसने दोनों बसों को चिपका दिया। दो इतनी बड़ी गाड़ियां, दो बसेस जो कि टेप से चिपक गई और भाई एकदम भयंकर तरीके से पूरे एरिया में जो है दो रही है। और आप देखो कुछ भी नहीं हुआ, टेप से चिपकी ये दोनों गाड़ियां यार। यहां पर ये जरूर है जो बीच बीच वाला हिस्सा है ना, ये इसमें से जरूर जो है थोड़ी थोड़ी उखड़ी है। बहुत तेज बदबू आ रही है, बस की क्लिच प्लेट फूक रही है या क्या हो रहा है आई डोंट नो, इस वाले की फूक रही होगी। बहुत तेज स्मेल आ रही है भाई, हाँ है धुआं रही है भाई। बस की जो जान है ना वो निकल गई यार, ये छोटी सी बस है और ये बड़ी बस को घुमा रही है अपने साथ में। प्लान था उल्टा, लेकिन छोटी वाली ने भी भाई काम वही जबरदस्त वाला कर दिया। और ये चीज आज साबित हो गई है, ऐसे वैसे कभी ट्राई मत करना, लेकिन ये साबित हो गया कि दो बस को टेप से चिपका करके चलाया तो जा सकता है। साबित नहीं हुआ गाइस, आपके सामने देखो साबित हो गया गाइस, हमने चला लिया और इतना चलाया भाई साहब कि हम खुद ही जो है चला चला करके थक गए इनको। बीच में कभी ये वाली आगे जा रही है, कभी वो वाली आगे जा रही है। देखो अभी भी जो दोनों बस हैं वो बीच में टच हो रखी है, यहाँ से बस का पेंट उखड़ गया है। देखो ये पूरा जो पेंट है वो उखड़ गया है और मुझे लगता है कि अंदर का जो हिस्सा है ना उसका भी पेंट भी उखड़ा होगा और वो डैमेज भी हुआ होगा, क्योंकि जब दो सोचो दो इतनी भारी बसेस इतनी भारी चीज़ें जब टकराएंगी आपस में ऐसे ऐसे रगड़ेंगी तो डैमेज तो होना ही। लेकिन गाइस ये जो चीज़ है ये हमने करी आपको कुछ नया दिखाने के लिए, कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट गाइस, इसको कहते हैं क्रेजी एक्सपेरिमेंट, कहते हैं ना गाइस। तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, क्योंकि गाइस ऐसी मजेदार वीडियोज ऐसी जबरदस्त वाले एक्सपेरिमेंट्स गाइस और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे गाइस, लिख के ले लो। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना जरूर से बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। देखो हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं भाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो फैमिली है, जो आप लोग हो, वो यार कुछ नया देखें, कुछ नया सीखें, उसके लिए तो भाई सबका लाइक करना बनता है, सबका सब्सक्राइब करना बनता है और जो घंटी बटन है, जो बेल आइकन है, उसको सब लोग दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आखिरी चीज और दिखाना चाहूंगा गाइस, जो चीज दोनों बसों को चला सकती है, इतनी हैवी हैवी व्हीकल्स को, वो चीज इतनी कमजोर होती है वैसे तो, कि आप लोग देखो सिंपली यहां पर मैंने इस छोटे से पेपर कटर की वजह से दोनों को आजाद कर दिया है। लेकिन जब ये एक साथ मिलती है ना भाई, इतनी सारी जो टेप है, तब जाकर के जो शक्ति है ना वो इतनी बढ़ जाती है कि दो बसें भी जो इनसे टकरा करके इसको तोड़ नहीं पाती, इतना सा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। चलो इसको खोलते हैं हम। तो गाइस ये देखो बस पे ढंग से चिपकी हुई है, खींच लो। ये जो है एक मॉन्स्टर टेप बन गया इतना बड़ा।